वन विभाग या कॉर्बेट वाले कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं। क्यों ऐसे, हम अपने बच्चों को बाकी मुंह में भेज देना है? सोमवार की रात मरचुला बाजार में मारी गई बाघिन के मामले में वन रक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और वन्य जीवों के आतंक से दुखी ग्रामीणों ने कल शुक्रवार को मरचुला पहुंचे अधिकारियों को बंधक बना लिया। वन विभाग के अधिकारी शुक्रवार को ग्रामीणों के साथ बैठक करने के मकसद से मरचुला पहुंचे थे। इस बैठक में गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए वन्य जीवों के आतंक से निजात दिलाए जाने और वन रक्षक द्वारा ग्रामीणों की जान बचाने के लिए बाघिन पर गोली चलाए जाने के मामले में विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने की मांग करते रहे। शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारियों की ग्रामीणों के साथ आयोजित इस बैठक में ग्रामीणों ने कालागढ़ वन प्रभाग के प्रभागी वनाधिकारी नीरज शर्मा को इलाके में वन्य जीवों के आतंक के बारे में बताते हुए कहा कि बाघ के खौफ के कारण उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, जंगली हाथी उनकी फसलों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामीण इस बात को लेकर बेहद गुस्से में थे कि बाघिन से ग्रामीणों की हिफाजत करने के लिए बाघिन पर गोली चलाए जाने वाले वन रक्षक के खिलाफ कार्रवाई पर उसका उत्पीड़न कर रहा है। ग्रामीणों ने वन रक्षक धीरज रावत को बैठक में बुलाने की मांग करते हुए विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी कि जब तक धीरज को मौके पर नहीं बुलाया जाएगा तब तक अधिकारियों को यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। अधिकारी अपने आप को यहां बंधक समझें। इसके साथ ही कुछ युवक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करके सड़क पर भी बैठ गए। चक्का जाम किए जाने के साथ ही ग्रामीणों की इस चेतावनी से मौके पर मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। उच्च अधिकारियों के साथ फोन पर मंत्रणा के बाद घबराए अधिकारियों को बाघिन पर गोली चलाने वाले वन रक्षक धीरज रावत को मौके पर बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पे हाथी, दो हाथियों ने बहुत आतंक मचा रखा। यहाँ पे हाथी मतलब टोटल जितने भी हमारे जैसे घास के पेड़ होते हैं ना, पूरे पेड़ बांस डैमेज करके जंगलात में कंप्लेंट करने गए। इनके कहते हैं अगर आपने गन्ना उगा रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे आपको कोई भी नुकसान करे। तो अभी भी हाथी रामगा के पार वहाँ पे दो दो हाथी प्रजेंटली मतलब वहाँ पे हैं। अभी मतलब खेती को जो है पूरा तबाह कर रखे। मैंने वैसा 60,000 रुपीज रामनगर से जाली लेके आया था, पूरी ताड़ बाड़ डैमेज कर दी हाथी ने। अरे वन विभाग या कॉर्बेट वाले कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं। बाघ के डर से झाड़ियाँ इधर उधर और की है बहुत सारी, या बाघ बच्चे छोटे जो पहुँचाने भी जाएगा तो उसको भी तो डर ही है, क्या करेगा वो। सरकार तो कुछ कर ही नहीं हमारे बच्चों के लिए, क्या ऐसे ही रहेंगे हमारे बच्चे? स्कूल कब से बंद कर रखे हैं? जब से सागर में केस हो रखा है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल ना बड़े ना छोटे कोई भी नहीं जा पा रहे। स्कूल बंद कर रखे हैं या बच्चों को आप भेज नहीं रहे हैं? बच्चे कैसे भेजे, छोटे बच्चे हैं ना हमारे, 5 साल से ऊपर तो है नहीं। हमने क्यों ऐसे अपने बच्चों को बाकी मुंह में भेज देना है? बता दें कि सोमवार रात बाघिन पर गोली चलाने वाले वन रक्षक धीरज रावत के मौके पर आते ही ग्रामीणों ने उसका फूल मालाओं से लाद कर गर्मजोशी से स्वागत किया। मोहान बैरियर से धीरज को लेकर आए वाहन के मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों ने गाड़ी से उतरते ही धीरज को फूल मालाओं से लाद दिया। उत्साहित ग्रामीणों ने धीरज को गोद में उठाकर उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। धीरज रावत के समर्थन में जोरदार नारेबाजी करते हुए ग्रामीण धीरज को बैठक स्थल तक लेकर आए। विभागीय कार्रवाई में सदमे में दिख रहे धीरज का ग्रामीणों ने उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सल्ट के ग्रामीण हर हाल में उसके साथ हैं। ग्रामीणों का कहना था कि धीरज ने ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए बाघिन को भगाने के लिए गोली चलाई। बाघिन की मौत एक हादसा है जिसके लिए विभाग धीरज को बलि का बकरा बना रहा है, जबकि बाघ के चलते उनकी जिंदगी नरक हो गई है। बाघ के डर की वजह से उनके बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप हो चुकी है, लेकिन वन विभाग
उनकी समस्या की कोई सुध नहीं ले रहा है। उल्टा ग्रामीणों को बाघिन से बचाने वाले कर्मचारी का ही उत्पीड़न करने पर उतारू है, जिसे किसी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड धीरेंद्र भाई था, उसने जनता को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए जो यहाँ पर फायर किया था, और आज उस फायर के बाद उस पर कार्रवाई की बात हो रही है, तो हमारा से मांग है सरकार से कि ये उस पर कोई कार्रवाई ना हो, एक। और दूसरा कि सरकार ने अगर ये बाघ पाल रखे हैं, जंगली जानवर पाल रखे हैं, तो उनको अपने जंगल के अंदर उनको संरक्षण दें, और यदि गांव में जंगली जानवर आते हैं तो गांव के लोगों को मारने का अधिकार उनको दिया जाए। तमाम जो गांव के लोगों के वन अधिकार थे उनको तमाम धीरे धीरे सरकारों के द्वारा छीना जा रहा है, और कानून इस तरीके से जो बनाए जा रहे हैं, एक तरफ आप अपने फॉरेस्ट गार्ड के हाथ में हथियार देते हैं कि अगर कहीं पर ऐसे कोई जानवर आता है तो आप अपनी जान माल बचा सकते हैं, और दूसरी तरफ वो अपनी जान माल बचाने का प्रयास करता है, गाँव के लोगों को बचाने का प्रयास करता है, वो फायर करता है, और उस फायर के कारण कहीं उस पर छर्रे वगैरह अगर चले गए तो आप उसके खिलाफ मुकदमा लिखने के तैयार हो गए। घंटों की इस जद्दोजहद के बाद ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि मरचूला क्षेत्र के 3 डिवीजन से जो घिरा हुआ है, अगले 15 दिन में इन सभी डिवीजनों के अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों की बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तय किया जाएगा कि क्षेत्र में जो भी केस हो उस पर तुरंत मुआवजा दिलवाया जा सके। समय समय पर गांव में सामूहिक बैठक करके जागरूकता के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। वन्य जीवों को आबादी के क्षेत्र में आने से रोकने के लिए सोलर फेंसिंग लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शासन को रिपोर्ट भेजकर जंगली जानवर द्वारा किसी भी व्यक्ति को घायल किए जाने पर उसमें इलाज का सारा खर्च सरकार द्वारा वहन कराए जाने के लिए नीतिगत निर्णय लेने की सिफारिश की जाएगी। धीरज रावत के मामले में उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है। हमारे गांव में आतंक है, जितने दिन से आतंक मचाया रखा है, 3-4 दिन से तो बिल्कुल लगातार हमारे घास काटने वाले को पूरा उम्र तोड़ दिया। अरे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, उसके लिए क्या कर सकते हैं? दिन में भी आ रहे हैं, दिन में भी आ रहे हैं, नदी पार से भी जा रहा हूँ, रात को आ जा रहा है, सोते हैं अभी सुबह सुबह, रात को रात भर हमने सुने पड़क पड़क के तो आपने शिकायत किससे करी है? ये वन विभाग से कर दिया है, शिकायत क्या कर रहे हैं? किसी तरीके की लिखित शिकायत करी है? आप बोल रहे हैं कि वन विभाग वाले क्या क्या, वन विभाग वालों ने क्या आश्वासन दिया है? वो बोले हाथी कुछ नुकसान नहीं करता है, हमारी कुछ कर जाए, कोई कुछ करने वाला नहीं है। वहीं DFO नीरज शर्मा ने कहा कि ग्रामीणों के साथ आयोजित बैठक के दौरान कालागढ़ वन प्रभाग के DFO ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बाघ के हमले में घायल हुई कमला देवी के इलाज का खर्चा हमारे विभाग की ओर से वहन किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर वह खुद व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी पूरी मदद करेंगे। आज की बैठक की सारी चीज़ें लिखित में एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी, जिसमें आज की तथा आज से पहले की जो परिस्थितियां यहां बनी हुई हैं उनका उल्लेख करते हुए शासन के सामने ग्रामीणों की परेशानी की जमीनी सच्चाई रखी जाएगी। सभी गांव वालों के बयानों को लिखित रूप से लिया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो 1000 लोगों के बयानों को भी लिखित रूप से हम लेंगे। सभी परिस्थितियों के आधार पर एक जाँच रिपोर्ट तैयार करके कार्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। बाघिन पर गोली चलाने का जो प्रकरण है वह मामला अभी भी जांच में है, इसमें अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है और ना ही किसी पर कोई कार्रवाई की गई है। वनरक्षक को इस रेंज से हटाकर दूसरी रेंज में उनका घर निकट होने के कारण भेजा गया है। जाँच में सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को लगाया जाएगा, तभी यह निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो घर घर जाकर भी ग्रामीणों के बयान लिए जाएंगे।
देखिए आज जो ये बैठक करी थी ये गढ़चूला क्षेत्र और इसके आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या जो है रहती है उसका किस तरह से न्यूनीकरण हो सके, वन विभाग के द्वारा क्या इसमें प्रभावी उपाय किए जा सके, इसमें इस लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया है। बहुत सारी आप लोगों की समस्याएँ आई हैं, उनके लिए जो भी विभाग कर सकता है प्रभावी कार्यवाही जो हम त्वरित कर सकते हैं हमारे स्तर से वो इनको बताया गया है, तुरंत की जाएगी। और पीछे एक तो एक मामला हुआ था 8 तारीख को, एक महिला पर जो है हमला किया था, तो उस पर हम लोगों ने उसी समय त्वरित कार्यवाही इन लोगों के साथ किया था, निरंतर पेट्रोलिंग क्षेत्र में किया, उसके पश्चात जो है और जो है ड्रोन से भी पेट्रोलिंग किया, साथ में पिंजड़े क्षेत्र में लगाए अनुमति लेके। इसी तरह से जो है आगे भी जो हम कर सकते हैं मुआवजा उनको जो विभागीय है वो दिया गया है, और जो इनके खर्चा भी इलाज का आता है उसके लिए भी कार्यवाही की गई है। साथ में जो ये हमारी घटना परसों हुई है 14 तारीख की रात्रि में, इस घटना के संबंध में भी इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आज बताई हैं यहाँ पे कि इस तरह की परिस्थितियाँ थी, ऐसा हुआ था और वो हुआ था। तो ये हमारे जो एक जांच अधिकारी हैं इस केस के SDO साहब हमारे कालागढ़ टाइगर रिजर्व के, वो सब इन्होंने नोट भी किया है और ये अपनी जाँच रिपोर्ट में जितने भी चीज़ें हैं ये संकलित करेंगे। और एक जाँच अलग है जो जिला स्तर से जो DM साहब के स्तर से होगी, मजिस्ट्रियल जाँच, वो अपना आके वो भी जो है चीज़ों को देखेंगे। जन ज्वार जनता की मीट।